नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ऑप्शन के बारे में, जिसके अंदर हम एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्चर ऑप्शन में। आप देखेंगे यहां पर सबसे पहला ऑप्शन आपको नजर आएगा दिस डिवाइस का। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पिक्चर्स नज़र आएंगे, यानी आप अपने सिस्टम में से कहीं से भी कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट टैब वाले बटन पर क्लिक कर दिया। इंसर्ट बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको एक टैब दिखाई देगा, जैसे पिक्चर फॉर्मेट का। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, इन सभी ऑप्शन का मैं आपको यूज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसका जो भी बैकग्राउंड था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर की चेंज पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जितना भी बैकग्राउंड था वो यहाँ से रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो किसी इमेज का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ से जैसे ही आप कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये वापस से आपका रिकवर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपका करेक्शंस का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर कलर्स दिखाई देंगे, इफेक्ट दिखाई देंगे, जिसमें से आप अपनी इमेज का ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इमेज को जैसा भी बनाना चाहें वैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको ब्राइटनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल जेड वापस से दबाएंगे, पिक्चर आपकी वापस से नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, कलर्स की। कलर्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर्स नज़र आएंगे। अगर आप अपनी इमेज को कलर वाइज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर्स मिल जाएंगे। इसमें से आप किसी भी कलर में सेलेक्ट करके आप अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं। हम फिर से कंट्रोल जेड करके इसको पीछे ले जाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से आर्टिस्ट इफेक्ट की। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे इफेक्ट यहाँ पे नज़र आएंगे। आप इसे किसी भी इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो इमेज थी वो एक आर्टिस्ट इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद आप कंट्रोल जेड करके फिर से पीछे जा सकते हैं। और इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कंप्रेस पिक्चर का। कंप्रेस का मतलब होता है किसी फाइल को दबाना, यानी कंप्रेस करना, छोटा करना। मान लीजिए हमने इस फाइल को यहाँ से छोटा किया और अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो कंप्रेस हो जाए। हम जैसे इस फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। आप इसे कंप्रेस कितने तरीके से करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। जिस भी क्वालिटी में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उस क्वालिटी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसको ईमेल के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं कि मुझे इसे ईमेल पर भेजना है, तो मैंने यहाँ पर ईमेल वाले मैटर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया इसे ओके। जैसे हम इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारी पिक्चर थोड़ी सी धुंधली हो गई, हमारी इमेज का जो साइज़ था वो थोड़ा सा कम हो गया। तो हम कंट्रोल जेड करके आप इसे वापस से पीछे ले जा सकते हैं और वापस से इसे जैसा था, जैसी क्वालिटी थी, इसे वापस से उसी क्वालिटी में हम वापस से कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आप अपने साइज़ को, यानी इमेज के साइज़ को आप यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जिस चीज़ के लिए आपको इसको यूज़ करना है, मान लीजिए आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर आप इसे ईमेल पर भेजना चाहते हैं, या फिर वेब पे आप इसे अपलोड करना चाहते हैं, या हाई डेफिनेशन की इमेज आप इसे बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन रेजुलेशन आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। उसमें से किसी भी रेजुलेशन को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप उसे उस क्वालिटी में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे फिलहाल यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा वापस से। इसी ऑप्शन में हम देखेंगे दिस डिवाइस का ऑप्शन है, यानी अगर आप कोई और फाइल यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं एक के अलावा और दूसरी, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो और भी कोई दूसरी फाइल आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हम इसे फिलहाल कैंसिल करते हैं। और इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन नज़र आएगा फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑनलाइन सोर्स ओपन हो जाएगा, यानी ऑनलाइन पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी। इसमें से किसी भी पिक्चर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारी कैटेगरीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जैसे एनिमल्स की बात करें, एरोप्लेन्स की बात करें, एप्पल की बात करें, तो इसमें से आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ बर्ड्स को। बर्ड्स जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको बहुत सारी बर्ड्स नज़र आने लग जाएंगी। इसमें से आप कोई भी बर्ड्स यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें से मान लीजिए हम यहाँ पर कोई बर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये वाली बर्ड यहाँ से सेलेक्ट की और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी वो फाइल इंटरनेट से डाउनलोड होकर के यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। आप देखेंगे हमारी ये इमेज यहाँ से इंसर्ट हो चुकी है और अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल में किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप इमेज को यूज़ कर सकते हैं।
और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो फिलहाल हम कंट्रोल जेड करके वापस से अपनी पुरानी वाली इमेज पर चले जाते हैं। मान लीजिए इस वाली इमेज पर हम वापस से आ गए और इस इमेज को हमने मान लीजिए यहाँ से छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद अब मान लीजिए यहाँ से हम वापस से उसी ऑप्शन पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर आपको एक नज़र आएगा रिसेट पिक्चर का और एक ऑप्शन नज़र आएगा रिसेट पिक्चर एंड साइज़ का। अगर आपने पिक्चर में कोई भी छेड़खानी कर रखी है तो आप यहाँ रिसेट पिक्चर कर सकते हैं। आपकी पिक्चर में जो भी चेंजेस हुई होगी वो वापस से रिसेट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इसकी कोई भी करेक्शंस कर लेते हैं और उसके बाद जैसे हम रिसेट पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से हमारी वैसी ही पिक्चर हो जाएगी जैसी ये पहले थी। और उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन नज़र आएगा रिसेट पिक्चर एंड साइज़ का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो ओरिजिनल साइज़ है इस इमेज का ये उस साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए इसका ओरिजिनल साइज़ ये था और इस तरीके से आपकी फाइल यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी अपने एक्चुअल साइज़ में। इसको हम वापस से छोटा कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर पिक्चर स्टाइल्स का। पिक्चर स्टाइल्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर स्टाइल नज़र आएंगे। इसमें से किसी भी स्टाइल को आप सेलेक्ट करके आप अपनी इमेज को उस तरीके का इफेक्ट दे सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ से हमने इस स्टाइल को सेलेक्ट किया और यहाँ से हमारी जो इमेज थी वो इस इफेक्ट में कन्वर्ट हो गई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका बॉर्डर्स का। इस बॉर्डर पर आप क्लिक करके इसके चारों तरफ का बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया तो ये बॉर्डर का कलर चेंज कर देगा। अब बेसिकली इसमें बॉर्डर का कलर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस इफेक्ट के अंदर कोई बॉर्डर है ही नहीं। तो हम यहाँ से कोई ऐसी इफेक्ट लेते हैं जिसका बॉर्डर हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे इसका बॉर्डर यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से हम चाहें तो किसी भी बॉर्डर के कलर में आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप इसको किसी भी कलर में इजिली चेंज कर पाएंगे। उसके बाद आपको नज़र आएगा नो आउटलाइन का एक ऑप्शन। नो आउटलाइन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी आपका बॉर्डर है उसका कोई भी आउटलाइन यहाँ पर शो ना करे, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मोर आउटलाइन कलर्स का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इसमें से आप कोई कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कस्टम में जाके आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पर बना भी सकते हैं। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का आप यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएगा विड्थ का। विड्थ पर जैसे आप चाहेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारी विड्थ नज़र आएंगी। इसमें से आप किसी भी साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डैशेस नज़र आएंगे। आप चाहें तो अपने इस बॉर्डर के साइज़ को डैशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पिक्चर्स इफेक्ट का एक ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे आप पिक्चर के ऊपर इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले इफेक्ट की बात करें तो यहाँ से देखिए ये बहुत सारे इफेक्ट हैं। इसमें से आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पर अपनी पिक्चर पर दे सकते हैं। ये देखिए इसके बाद यहाँ पर शेडोज़ का इफेक्ट है। आप नेक्स्ट ऑप्शन में शेडो का इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में आप रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ग्लोइंग यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट एजिस यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर इफेक्ट दिखाई देंगे। जैसे बिवल एंड एम्बोज का ऑप्शन आता है यहाँ पर, वो यूज़ कर सकते हैं या फिर 3D रोटेशन का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आएंगे। इसमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपनी इमेज में एक अट्रैक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पिक्चर लेआउट्स का। पिक्चर लेआउट्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे डायग्राम्स नज़र आएंगे जिसमें से आप किसी भी स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करके इस इमेज को उस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया दूसरा वाला, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर्स नज़र आएंगे। इसमें से आप चाहें तो किसी भी कलर में आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसका यहाँ पर चाहें तो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाहें तो आप इसकी शेप को वापस से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अब यहाँ पर अगर आप शेप्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए शेप्स ऐड भी हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप बुलेट्स को ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आप पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ पर बुलेट्स को भी ऐड कर सकते हैं। यानी पॉइंट टू पॉइंट अगर आप कुछ रिप्रेजेंट करना चाहें तो पॉइंट टू पॉइंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर टेक्स्ट पेन नज़र आएगा। टेक्स्ट पेन नज़र आने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट टेक्स्ट पे ऊपर भी आप कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप डिमोट करेंगे तो वापस से हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने सेट किया था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और प्रमोट करेंगे तो वापस से वो ऑब्जेक्ट हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मूव अप मूव डाउन करेंगे तो यहाँ से मूव अप और मूव डाउन भी आप इसे ईजिली कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, इन सभी का आप यूज़ कर सकते हैं। रिसेट ग्राफिक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी छेड़खानी कर रखी है वो सारी यहाँ से रिसेट हो जाएगी और यहाँ से आप रिसेट ग्राफिक का यूज़ कर सकते हैं इन सभी ऑब्जेक्ट को रिसेट करने के लिए। तो चलिए हम वापस से चलते हैं अपने पुराने वाले ऑप्शंस पर। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आएगा ऑल टेक्स्ट का। ऑल टेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस इमेज के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लाइव टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक, और इसके बाद आप
जैसे ही इस ऑल टेक्स्ट को यहाँ से कट करेंगे तो ये वापस से हट जाएगा, और जैसे ही ऑल टेक्स्ट पर वापस से क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो यानी आप किसी इमेज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं इस ऑल टेक्स्ट की मदद से। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर पोजीशन का, आप पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इमेज को पहले यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, छोटा करने के बाद हम यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने टाइप किया इज इक्वल टू RAND लिखा और यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ्स यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद इस इमेज को हम यहाँ से देखिए लेकर जा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्टमेंट ले रहा है। तो उसको मैं अभी आपको क्लियर करूँगा कि ये कैसे एडजस्ट होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर चले जाते हैं वापस से पोजीशन पर। पोजीशन में आप इसको इमेज को कहाँ किस पोजीशन पर सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लेफ्ट सेलेक्ट किया तो लेफ्ट में आप सेंटर में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, बॉटम में भी चाहें तो बॉटम में कर सकते हैं, मिड पॉइंट पर चाहें तो मिड पॉइंट पर यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो जिस भी पोजीशन पर आप इसे रखना चाहें उस पोजीशन पर आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला रैपिंग होगा हमारा इन लाइन विद टेक्स्ट। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो लाइन की स्टार्टिंग जहाँ से हुई है वहाँ से हमारी इमेज यहाँ पर सेट हो जाएगी उस तरीके से। यानी पहले इमेज है उसके बाद हमारे टेक्स्ट की यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है, तो इसको हम इन लाइन विद टेक्स्ट कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्क्वायरली एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्वायर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी इमेज होगा वो स्क्वायरली एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे स्क्वायरली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपका टाइट। टाइट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो टाइटली एडजस्ट हो जाएगा। इसको कहीं पर भी आप मूव करेंगे तो जो भी हमारा पैराग्राफ होगा वो ऑटोमेटिक इस इमेज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर थ्रो का ऑप्शन है। थ्रो से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा। इसके बाद टॉप या बॉटम पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। टॉप या बॉटम पर जो भी आप इसे एडजस्ट करेंगे तो अपने लेफ्ट या राइट साइड में कोई भी टेक्स्ट अपने आसपास रहने नहीं देगा। अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। एडिट रैप पॉइंट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स नजर आएंगे। इन पॉइंट्स को जैसे ही आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो उतना स्पेस यहाँ पर खाली हो जाएगा, और अगर इसे अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे तो उतना टेक्स्ट स्पेस यहाँ पर अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन रैपिंग्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे मूव विथ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के साथ अगर आप मूव कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे हटा भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे फिक्स पोजीशन। आप चाहें तो यहाँ से इसकी फिक्स पोजीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट मोर लेआउट्स का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे लेआउट्स यहाँ पर नज़र आएंगे जो कि मैंने आपको रिसेंटली अभी आपको बताया था। इनमें से कोई भी लेआउट आप यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसे ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा। तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है, मान लीजिए हम यहाँ से एक और इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। हम पिक्चर्स पर वापस जाते हैं, दिस डिवाइस पर जाते हैं, और यहाँ से हमने एक पिक्चर को और यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने इस वाली इमेज को यहाँ से इंसर्ट कर लिया। इस इमेज को इंसर्ट करने के बाद हमने यहाँ से इसको छोटा कर लिया, और छोटा करने के बाद यहाँ से इसके लेआउट्स को हमने चेंज कर दिया। यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया इसको भी हमने, और इसको भी सिलेक्ट करके हमने यहाँ से इसके टेक्स्ट रैपिंग को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया। अब आप देखेंगे इसको जैसे हम इस इमेज के ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारी जो पिछली वाली इमेज है वो यहाँ से इसके पीछे छुप जाएगी। और इसको अगर मुझे बैक साइड में ले जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यूज़ करूँगा सेंड टू बैकवर्ड का। आप देखेंगे हमारा ये जो इमेज था वो सेंड टू बैकवर्ड हो गया, इसके पीछे चला गया, और जैसे आप ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो ये वापस से इसके ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है जैसे इस इमेज को हमें किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर लाना है। यहाँ पर हमने बहुत सारी इमेजेस ले रखी हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई शेप्स ले लेते हैं या कोई इमेज ले लेते हैं। हम यहाँ पर एक इमेज को और इंसर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक इमेज और सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए हमने इस वाली इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और इस वाली इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हमने सबसे लास्ट वाली इमेज को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले इसको टेक्स्ट रैपिंग से जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करा लेते हैं, और लास्ट वाले ऑप्शन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम यहाँ से जाते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये जो हमारी इमेज है वो सभी इमेज के ऊपर आ जाएगी, यानी एक बार में सबसे ऊपर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 इमेज ले रखी हैं और सबसे लास्ट वाली इमेज को आप चाहते हैं कि ये सबसे ऊपर आ जाए एक बार में, तो आप इस ऑप्शन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि इमेज सबसे पीछे चली जाए एक बार में, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं सेंड टू बैक का। सेंड टू बैक जैसे आप करेंगे तो ये सबसे पीछे चली जाएगी। ये देखें सबसे पीछे हमारी ये इमेज जा चुकी है। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से मैं इन सभी इमेजेस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और अब आप देखेंगे तो हमारी जो इमेज थी
वो यहाँ पर टेक्स्ट के पीछे जा चुकी है। और इसके बाद अगर हम इसको ऊपर की तरफ लाना चाहते हैं, इसमें हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है हमारी ये टेक्स्ट के वापस से ऊपर आ जाए, तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो इमेज है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा सिलेक्शन पेन्स का। सिलेक्शन पेन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सिलेक्शन का एक बॉक्स नज़र आएगा। इस बॉक्स से आप किसी भी इमेज को शो और हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हाइड पर क्लिक किया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ से हाइड हो गया, और जैसे हम यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज वापस से यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपने यहाँ पर कोई शेप ले रखी है या कोई इमेज ले रखी है तो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। जिस चीज़ का भी आप आइज़ बंद करना चाहेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमने इसकी आइज़ को बंद कर दिया तो वो वाला ऑब्जेक्ट हमारा हाइड हो जाएगा, और जैसे इसकी आइज़ को ओपन करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा वापस से अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सिलेक्शन पेन्स का यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा अलाइनमेंट्स का। तो इसमें आप अलाइनमेंट दे सकते हैं, जैसे हमने ले दिया लेफ्ट, यहाँ से दे सकते हैं आप सेंटर, यहाँ से दे सकते हैं राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलाइनमेंट्स मिलेंगे, इन सभी अलाइनमेंट्स का आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप का एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा। अब ग्रुप ऑप्शन कैसे यूज़ होता है, तो ग्रुप ऑप्शन के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं शेप्स को। हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से हमने ले लिया यहाँ पर शेप्स। शेप्स को लेकर के जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर एक और शेप हम यहाँ पर ले लेते हैं। शिफ्ट के साथ हमने दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ग्रुप का। तो आप देखेंगे हमारी जो इमेज थी वो आपस में यहाँ पे जुड़ जाएगी, यानी ग्रुपिंग हो जाएगी। और अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके जैसे इसे अनग्रुप करेंगे तो हमारी ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था वो अलग हो जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रुप और अनग्रुप का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन है, तो आप चाहें तो किसी इमेज को या किसी भी शेप को यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। देखिए तो आप जैसे चाहें आप इसे ईजिली फ्लिप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे आपके साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इन ऑप्शंस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर्स में एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा ऑनलाइन पिक्चर्स का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पिक्चर्स में जो मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली, यहाँ पर बहुत सारे आपको कैटेगरीज दिखाई देंगी जिसमें से आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए फैमिली को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स की आपको फैमिलीज़ के इमेजेस मिल जाएंगे। उसमें से कोई भी इमेज सेलेक्ट करके जैसे इंसर्ट करेंगे तो वो इमेज आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी और उस इमेज का आप यहाँ पर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शेप ऑप्शन की। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, इसमें से किसी भी आप शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं यहाँ पर रिसेंटली यूज शेप का। बेसिकली ये वो शेप्स होती हैं जो हमने रिसेंटली यूज़ कर रखी होती हैं, उनमें से आपको कुछ हिस्ट्री दिखाता है जिसमें से आप कोई भी शेप ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर शेप फॉर्मेट के नाम से एक टैब खुल जाएगा और इसमें आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट चेंज करने के ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले बात करते हैं शेप स्टाइल की, तो यहाँ से आप क्लिक करके शेप को किसी भी स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे स्टाइल्स आपको नज़र आएंगे, इसमें ऐसे आप किसी भी स्टाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इस कलर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारा जो शेप था वो इस कलर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से कलर को चेंज भी कर सकते हैं। आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर यहाँ पर नज़र आएंगे, इसमें से कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ अगर नो फिल करेंगे तो नो फिल में आपका जो भी कलर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मोर फिल कलर्स का। मोर फिल कलर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, इसमें से आप कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो वो कलर हमारा यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अदर थीम्स का। यहाँ पर आप जा करके कोई भी थीम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की थीम्स आपको मिल जाएंगी, उस थीम का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने आएगा पिक्चर्स का ऑप्शन। आप पिक्चर पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे। तीनों ऑप्शन में से आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसमें कोई भी पिक्चर या कोई भी आइकन इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। हम फर्स्ट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपका सिस्टम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और सिस्टम में से आप किसी भी पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम डी ड्राइव में जाते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं किसी पिक्चर में, तो मान लीजिए हम यहाँ पर पिक्चर्स में चले जाते हैं और किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करके जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर हमारी शेप में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन अगर हम बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो सेकेंड ऑप्शन है हमारा ऑनलाइन पिक्चर का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन में बहुत सारी आपको इमेजेस नज़र आएंगी, इसमें से किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बर्ड्स को सिलेक्ट किया
बर्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको काफ़ी सारी बर्ड्स यहाँ पे दिखाई देंगी। इसमें से किसी भी बर्ड्स को सिलेक्ट करके आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस वाली पिक्चर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया इंसर्ट। जैसे हमने इंसर्ट पर क्लिक किया तो वो पिक्चर हमारी इस शेप में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो यहाँ से हम जाएंगे वापस से पिक्चर वाले ऑप्शन पर। पिक्चर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्रॉम आइकन्स। फ्रॉम आइकन्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे आइकन्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगे और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें से आप एनिमल्स का आइकन यूज़ कर सकते हैं, एरोज़ का आइकन यूज़ कर सकते हैं, आर्ट्स का आइकन यूज़ कर सकते हैं या बॉडी पार्ट्स का आइकन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से किसी भी आइकन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस वाले आइकन को यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो वो आइकन हमारा इस शेप में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे कलर्स यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि आपका दो कलर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें से कोई भी कलर आप यहाँ पर ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कलर आपका बेसिक शेप में फिल हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने टेक्सचर्स नज़र आएगा। इसमें आपको काफ़ी सारे टेक्सचर्स नज़र आएंगे, जिसमें आप कोई भी टेक्सचर सेलेक्ट करके आप अपनी शेप में इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप अपनी शेप में कोई भी टेक्सचर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा शेप आउटलाइन का। यहाँ से आप आउटलाइन की शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रेड कलर चेंज किया तो यहाँ से आप देखेंगे इसकी आउटलाइन का जो कलर था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो नो आउटलाइन करेंगे तो इसका जो आउटलाइन था वो यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से आप मोर आउटलाइन कलर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरीके से यहाँ से भी आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर कस्टम में जा करके यहाँ से कोई कलर आप खुद से बना भी सकते हैं। सेलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे तो वही सेम कलर आपकी आउटलाइन में फिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर इसकी विथ की, इसके साइज़ को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जो भी हमने बॉर्डर लिया है इस बॉर्डर के साइज़ को आप यहाँ से इजीली अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जितने भी आपको बॉर्डर चाहिए, जितना भी साइज़ बॉर्डर का चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट करके जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसका साइज़ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर डैशेस की, तो आप यहाँ पे कोई भी डैश सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका जो बॉर्डर था वो उसी डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका नज़र आएगा शेप इफेक्ट का। यहाँ से आप जा करके काफ़ी सारे इफेक्ट दे सकते हैं अपनी शेप के ऊपर। ये देखें आपको सबसे पहले यहाँ दिखाई देगा प्रेजेंट का। यहाँ पर आप काफ़ी सारे आपको इफेक्ट दिखाई देंगे, जिसमें से आप किसी भी इफेक्ट में आप इस शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाई देगा शेडोज़ का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप शेडोज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आपकी शेप के साइड में काफ़ी सारी शेडोज़ नज़र आ रही हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्शन, यहाँ पर आप चाहें तो रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। ये देखिए नीचे की तरफ आपकी शेप में रिफ्लेक्शन आ गया, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ग्लो, तो ग्लोइंग में काफ़ी सारे ग्लो का इफेक्ट आ जाएगा। इसमें से आप कोई भी ग्लो इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर्स दिखाई देंगे, इसमें से आप कोई भी ग्लो कलर यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सॉफ्ट एज। आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट यहाँ पर भी नज़र आएंगे, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बीवल की अगर हम बात करें तो ये आपको 3D शेप में कन्वर्ट करके दिखा देगा, तो इसमें से आप कोई भी 3D शेप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ से अगर आप 3D रोटेशन यूज़ करना चाहें तो यहाँ से आप 3D रोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत सारे एंगल्स दिखाई देंगे, तो इस तरीके से आप इन सभी शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस शेप में कुछ लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड टेक्स्ट का। ऐड टेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर जो भी लिखना चाहें यहाँ पर उसे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ से चाहें तो वर्ड आर्ट स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए वर्ड आर्ट का स्टाइल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें से आप किसी भी कलर में आप इसे चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका जो शेप था वो वर्ड आर्ट शेप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ चले जाते हैं वापस से शेप फॉर्मेट पर, और यहाँ से आपको दिखाई देगा उस जो हमने वर्ड आर्ट में टेक्स्ट लिखा था उस टेक्स्ट में कलर चेंज करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस वर्ड आर्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये दिखाई दे। यहाँ पर देखिए ये शेप, ये टेक्स्ट है हमारा, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से उस वर्ड आर्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हम ब्लैक करेंगे तो उसके अंदर ब्लैक कलर फिल हो जाएगा, या कोई और कलर आप सेलेक्ट करेंगे तो वही कलर सेम इसमें फिल हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर नो फिल अगर आप करेंगे तो कोई भी कलर यहाँ पर फिल नहीं होगा। इसके अलावा मोर कलर जो मैंने आपको बताया, मोर कलर पर क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ओके कर सकते हैं, वही सेम कलर यहाँ पर इसके अंदर फिल हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका ग्रेडियंट का भी आएगा। यहाँ से आप चाहें तो ग्रेडियंट कलर भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ से
थीम कलर्स का, तो यहाँ से आप चाहें तो आप इसकी थीम के कलर को यूज़ कर सकते हैं, थीम के कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और उसी तरीके से आउटलाइन की कलर्स को, उसके विथ को, उसके डैशेज को यहाँ से आप चाहें तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो जितना भी आप रखना चाहें अपने हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इफेक्ट, तो यहाँ पर आपको इफेक्ट नज़र आएगा शेडो का, रिफ्लेक्शन का, ग्लो का, बीवल का, 3D रोटेशन का, ट्रांसफॉर्म का, तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी इफेक्ट में आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, आप इसे उस एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा टेक्स्ट डायरेक्शन का। टेक्स्ट डायरेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपने इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री पर, तो यहाँ देखेंगे 90 डिग्री पर रोटेट हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसे चाहें तो 270 डिग्री पर भी रोटेट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे जहाँ भी डायरेक्शन देना चाहें उस हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हैं। फिलहाल हम इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर एक सिंपल शेप ड्रॉ करते हैं और उसके बाद मैं इस ऑप्शन को आपको क्लियर करता हूँ। तो मैंने यहाँ से ले लिया एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पे किया, और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक। एक्सेल इन्फोटेक टाइप करने के बाद इसको मैंने वापस से सिलेक्ट किया। वापस से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ से मैंने 90 डिग्री ले लिया, ये देखिए 90 डिग्री पर रोटेट हो गया और यहाँ से 270 पर रोटेट हो गया। और इसको वापस से स्टेटेड करना है तो आप यहाँ ओरिजिनल सेलेक्ट करिए, वापस से ये जैसा था वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अलाइन टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यहाँ से आप इसे टॉप पे एडजस्ट कर सकते हैं, मिडिल में एडजस्ट कर सकते हैं और बॉटम में एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे, और जो मैंने ऑप्शंस आपको बताए वही सेम ऑप्शंस आप इसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के आपको शेप्स नज़र आएंगे, डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर्स नज़र आएंगे, यहाँ से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फ्लो चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर डैशेस को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके अंदर ग्लोइंग इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं। ये देखिए तो ये सभी ऑप्शंस आप इस टेक्स्ट के ऊपर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर क्रिएट लिंक का। तो क्रिएट लिंक कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने एक टेक्स्ट यहाँ पर शेप यहाँ पे यूज़ कर रखा है और इसी तरीके से हम एक और शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऐड टेक्स्ट। हम इस वाली शेप को इस वाली शेप से लिंक करना चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करें और ये हमारा फुल हो जाए तो हमारा जो नेक्स्ट डाटा हो वो इसमें ऑटोमेटिक टाइप होता चला जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, क्रिएट लिंक पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जैसे ही आप इस शेप को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों का आपस में लिंक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक लिख दिया, इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, और कुछ भी टाइप करने के बाद जैसे हमारा ये बेसिक शेप फुल हो जाएगा तो आप देखेंगे नेक्स्ट शेप में वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रिएट लिंक का यूज़ कर सकते हैं, एक शेप को दूसरे शेप से लिंक कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कोई भी डेटा फिल करेंगे और वो डेटा अगर आपका फिल हो जाएगा यानी शेप आपकी फुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे शेप पर आपका डेटा पहुँच जाएगा अपने आप। तो इसका यूज़ किया जाता है क्रिएट लिंक की मदद से। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑल टेक्स्ट का। ऑल टेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस शेप के बारे में आप चाहें तो जो भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पर देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिखने के बाद यहाँ पर जैसे हम इसको कट करेंगे और वापस से हम इसी ऑल टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एग्जाम्पल ये आपको दिखाई देगा। यानी बेसिकली आप किसी भी शेप को किसी भी पिक्चर के बारे में यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं और इसे बाद में रीड कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर पोजीशन का एक ऑप्शन। तो पोजीशन के लिए हम यहाँ पर सभी शेप्स को एक बार डिलीट कर लेते हैं, और सभी शेप को डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने टाइप किया इज इक्वल टू RANT रैंड लिखा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया, और इंसर्ट टैब में जा करके हमने यहाँ से एक शेप इंसर्ट कर ली। मान लीजिए हम यहाँ से एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं, ये वाली शेप हमने इंसर्ट कर लिया। अब आप देखेंगे हमारी जो शेप है वो टेक्स्ट के ऊपर आ रही है, तो यहाँ से आप चाहें तो उसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, जिस पोजीशन में आप चाहें उस पोजीशन में अपनी टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर कोई पिक्चर ले सकें, आप यहाँ पर शेप भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर पिक्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने पोजीशन इसकी डिफाइन कर दी। इसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको टेक्स्ट रैपिंग्स, तो इसमें काफ़ी सारे रैपिंग्स आपको दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए स्क्वायर, तो स्क्वायर पर जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो स्क्वायरली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम टाइटली यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था यानी जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर इसके शेप के हिसाब से ही एडजस्ट हो रहा है। ये देखिए जहाँ पर भी हम शेप को मूव करेंगे ये ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा।
इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे रैपिंग्स हैं, जैसे थ्रो की अगर हम बात करें, टॉप एंड बॉटम की अगर हम बात करें, या फिर बिहाइंड टेक्स्ट की बात करें यानी टेक्स्ट के पीछे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर, एडिट रैप पॉइंट्स पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे। इसमें से किसी भी पॉइंट को आप सिलेक्ट करके यहाँ पर गैपिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोर लेआउट्स भी दिखाई देंगे, जिसमें से आप काफ़ी सारे लेआउट्स का भी यूज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैकवर्ड का एक ऑप्शन। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक शेप को और इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक शेप यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और इसका कलर यहाँ से हमने चेंज कर दिया, और उसके बाद यहाँ से हम यूज़ करते हैं सेंड टू बैकवर्ड का। जैसे हम सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो हमारा जो डेटा था यानी हमारा जो रेक्टेंगल ब्लैक वाला था वो इसके पीछे चला गया, और जैसे ही हम ब्रिंग टू फॉरवर्ड यूज़ करेंगे तो ये वापस से इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी शेप को आगे या पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम एक शेप को और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एलिप्स ले लिया और इस एलिप्स का कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद अब हमारे पास तीन शेप्स हो गई। इन तीन शेप में से अब यहाँ पर जब मान लीजिए हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, इससे पहले हम यूज़ करते हैं यहाँ से सेंड टू बैक। जैसे हम सेंड टू बैक करेंगे तो ये एक बार में ही सबसे पीछे चली जाएगी, यानी आप एक एक करके इसको अगर ऊपर लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक एक करके ऊपर ला सकते हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ से देखिए एक एक करके हमारा ऑप्शन ऊपर आ रहा है, और यहाँ से अगर हम सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो एक एक करके यहाँ से ये पीछे जा रहा है। और अगर आप यहाँ से यूज़ करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट तो आप देखेंगे एक बार में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इन सभी के ऊपर आ जाएगा, और अगर आप इसको एक बार में पीछे भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेंड टू बैक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका जो शेप था वो एक बार में सबसे पीछे चला जाएगा। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर बिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है, ये टेक्स्ट के फ्रंट पर आएगा और ये टेक्स्ट के बैक में जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से सबसे पहले बैक में कर देते हैं इसको, सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट जैसे टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट के पीछे चला गया, और अगर आप इसे टेक्स्ट के ऊपर लाना चाहते हैं तो वापस से इसको आपको क्या करना है, यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के फ्रंट पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सभी दोनों ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा सिलेक्शन पेन का एक ऑप्शन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी आपके शेप्स होंगे बेसिक शेप्स वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, उसकी आप यहाँ पर आइज बंद करके उसको हाइड यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप एक साथ हाइड करना चाहें तो यहाँ से हाइड ऑल पर क्लिक करेंगे तो एक साथ आपकी सारी शेप्स हाइड हो जाएंगी, और अगर आप शो ऑल पर क्लिक करेंगे तो एक साथ आपकी सारी शेप्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट में आप लेफ्ट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, मिडल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अकॉर्डिंग, और अलाइनमेंट दे सकते हैं पेज मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा ग्रुप का। ग्रुप का मतलब शिफ्ट के साथ, मान लीजिए हमने दोनों ऑप्शन को एक साथ सेलेक्ट किया और यहाँ से ग्रुप में जा करके जैसे हम इसे ग्रुप करेंगे तो ये दोनों शेप्स हमारी क्या हो जाएंगी, आपस में ग्रुप हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम इसके अलावा इस शेप को भी इसमें ग्रुप करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ हमें इसको भी सिलेक्ट करना है, और यहाँ से हम जा करके ग्रुप पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये भी हमारी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी तीनों की तीनों शेप्स हमारी ग्रुप में ऐड हो जाएंगी। आप तीनों को एक साथ छोटा या बड़ा या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो जैसे ही आप ग्रुप में जाके जैसे अनग्रुप करेंगे तो ये सारी की सारी शेप्स हमारी अनग्रुप हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी अनग्रुप हो गया और ये भी अनग्रुप हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों की दोनों शेप्स हमारी अनग्रुप हो जाएंगी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये जो दोनों शेप्स थी वो एक बॉक्स में बंद हो गई, और ये वाली जो शेप थी हमारी वो बिल्कुल अलग हो गई। अगर आप इसको भी अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जा करके वापस से अनग्रुप ऑल करना होगा, तब जा करके आपकी ये शेप यहाँ से अनग्रुप होगी और यहाँ से अनग्रुप हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से रोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे 90 डिग्री 80 डिग्री हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे फ्लिप करना चाहें तो यहाँ से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें किसी भी शेप का, तो आप अपने हिसाब से साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं सेंटीमीटर में। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 5 सेंटीमीटर कर दिया और इसको भी मैंने 5 सेंटीमीटर कर दिया, तो दोनों ही मेरा जो शेप था वो 5 सेंटीमीटर में यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप किसी शेप को प्रॉपर एक साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन थे हमारे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पर आपको दिखाई देगा चेंज शेप का एक ऑप्शन। यहाँ से आप चाहें तो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास ये शेप है और इस शेप के बजाय मुझे कोई दूसरी शेप यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ से जैसे ही मैं दूसरी शेप यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे ये शेप हमारी चेंज हो जाएगी उस शेप के अंदर जो मैंने शेप वहाँ पर सेलेक्ट की थी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा एडिट रैप पॉइंट्स का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे पॉइंट नजर आ जाएंगे। आप अपनी शेप को यहाँ पर कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया
और उसको हमने यहाँ से नीचे की तरफ दबा दिया। इसके बाद आप इसके पॉइंट्स को उठा करके अपने हिसाब से शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई शेप अगर ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पर अपने हिसाब से इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी शेप्स आप यहाँ पर चाहें अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रीरूट कनेक्टर का। तो इसके लिए हम चले जाते हैं वापस से इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ से चले जाते हैं शेप्स में और यहाँ सबसे नीचे आपको दिखाई देगा न्यू ड्राइंग कैनवस का एक ऑप्शन। इसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। इस रेक्टेंगल के अंदर हमें जो भी शेप्स लेनी है वो ड्रॉ करनी है। तो हम मान लीजिए यहाँ से कोई शेप इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया और उसके बाद यहाँ से हम कोई भी एरो यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस एरो को सिलेक्ट किया और यहाँ से इस एरो को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद जो दोनों ही शेप्स होंगी वो आपके इस कैनवास के अंदर ही होनी चाहिए। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कनेक्टर्स का। तो यहाँ से आप चले जाइए कनेक्टर्स पर, यहाँ पर डिफरेंट टाइप को आपको कनेक्टर नज़र आएंगे। तो मान लीजिए हमने इस वाले कनेक्टर को यहाँ पर सेलेक्ट किया और इस वाले कनेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने इस वाले कनेक्टर को यहाँ से हमने ऐड कर दिया इस वाले पॉइंट से। जैसे मान लीजिए हमने इस वाले पॉइंट से ऐड कर दिया। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं किसी एक बेसिक शेप को यहाँ पे मूव करूँगा तो कनेक्टर अपने आप यहाँ पे रीरूट चेंज होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस से इस पर जाता हूँ और यहाँ से मैंने यूज़ किया रीरूट कनेक्टर का। तो जैसे हमने रीरूट कनेक्टर यूज़ किया तो अभी तो बेसिकली इसका यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा जो कनेक्टर है वो बेसिकली एक रूट में है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसके रूट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रीरूट कनेक्टर का। जैसे हमने रीरूट कनेक्टर यूज़ किया आप देखेंगे हमारा जो रूट था यहाँ से चेंज हो गया। ये कनेक्टर हमारा पहले यहाँ से घूमकर ऐसे आ रहा था और अब देखिए नीचे से ये वापस कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने इस रीरूट कनेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी रीरूट कनेक्टर पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपना रूट बदल लेगा और इसी बेसिक शेप के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रीरूट कनेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और उस बॉक्स के अंदर आप जो भी लिखना चाहें, जो भी राइट करना चाहें वो यहाँ पर ईजिली राइट कर सकते हैं। यानी पोएम वगैरह के लिए अगर आप कुछ यहाँ पर एक बॉक्स चाहते हैं और बॉक्स के अंदर आप यहाँ से चाहें तो डिफरेंट टाइप्स के आप इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बेसिक शेप्स। तो बेसिक शेप में मैंने आपको बता दिया काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, इसमें से आप किसी भी शेप का यूज़ कर सकते हैं। एरोज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे एरोज़ हैं, इसमें से कोई भी एरो सिलेक्ट करके आप यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर इक्वेशंस का एक ऑप्शन। तो इक्वेशंस में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह दिखाई देगा, इसमें से भी आप कोई शेप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई देगा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर स्टार्स एंड बैनर्स का, इसमें से भी आप कोई स्टार या बैनर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और स्टार बैनर यूज़ करके यहाँ पर उसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा क्लाउड्स, यहाँ पे क्लाउड्स का आप यूज़ कर सकते हैं और क्लाउड्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अंदर अभी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो इजिली आप इसमें टाइप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको दिखाई देंगे शेप्स के। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के एक बेहतरीन फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका डायलॉग बॉक्स तभी ओपन होगा जब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको आइकन पर क्लिक करना है। आप आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे आइकन्स यहाँ पे देखेंगे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज दी गई हैं जिसमें से आप अपने हिसाब से जिस कैटेगरी के आइकन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिस कैटेगरी के आइकन को देखना चाहते हैं उस कैटेगरी पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपके सामने एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी पे आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी के आपके आइकन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसके बाद है एनालिटिक्स, यहाँ पर आप एनालिटिक्स के रिलेटेड आप यहाँ पर आइकन देख सकते हैं। इसके बाद एनिमल्स, आप यहाँ पर एनिमल्स से रिलेटेड यहाँ पर आइकन्स देख सकते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज मिलेगी जिसमें आप जाकर के किसी भी कैटेगरी को क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बॉडी पार्ट हो गया, बिजनेस हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, कॉमर्स हो गया। इसके नीचे आते जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ वगैरह की मिल जाएंगे आइकन्स, टूल्स बिल्डिंग्स के मिल जाएंगे, व्हीकल्स के मिल जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग स्पोर्ट्स पर क्लिक करते हैं, स्पोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इस वाले आइकन को यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट वाले बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो आइकन आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा।
जैसे ही आप इस आइकन को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ग्राफिक शेप के नाम से एक नया टैब खुल जाएगा। कुछ ऑप्शंस को मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक्सबिटी का ऑप्शन हो गया, अरेंज हो गया, साइज हो गया, इन सभी ऑप्शन को मैंने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर आपको वो लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इन सभी ऑप्शन के बारे में वहाँ से सीख सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतने ही ऑप्शंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा चेंज ग्राफिक का। अगर आप इस ग्राफिक को चेंज करना चाहते हैं तो आपको चेंज ग्राफिक पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, जिसमें से आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होगा दिस डिवाइस का। दिस डिवाइस का मतलब है कि आपके सिस्टम में ही कहीं पर आपके पास आइकन्स रखे हुए हैं, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आइकन को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर फ्रॉम ऑनलाइन स्पोर्ट्स सोर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस रिप्रेजेंट हो जाएंगी। इसमें से कोई इमेज आप चाहें तो सिलेक्ट करके उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे वो हमारी जो यहाँ पर आइकन आया हुआ है उस आइकन को रिप्लेस करके इमेज रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंट्रोल जेड करके वापस से पीछे चले जाते हैं और यहाँ से आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा फ्रॉम आइकन्स का। यहाँ से आप चाहें तो दूसरे आइकन्स को यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी आइकन को यहाँ पे रहने देते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपके सामने और नज़र आएगा कन्वर्ट टू शेप का। आप चाहें तो इस आइकन को एक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो आइकन था वो बेसिकली एक शेप बन चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए शेप फॉर्मेट का ऑप्शन खुल गया, आप ग्राफिक वाला ऑप्शन यहाँ से गायब हो चुका है। तो इसे हम फिर से कंट्रोल जेड करके वापस से बैक कर देते हैं और ग्राफिक वाले ऑप्शन पर फिर से चले जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ग्राफिक स्टाइल नज़र आएगा। इस ग्राफिक स्टाइल पर क्लिक करके आप इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो जो भी कलर आपको यहाँ पर चाहिए वो कलर यहाँ पर इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर ग्राफिक फिल का एक ऑप्शन नज़र आएगा आपके सामने। इन ग्राफिक फिल में आप जाएं तो यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हैं। नो फिल करेंगे तो इसमें कोई भी कलर आपका फिल नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे मोर फिल कलर्स का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पर बनाना चाहें तो सिलेक्ट करके आप उसे इजीली यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ग्राफिक आउटलाइन का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी आउटलाइन में जो भी कलर है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नो आउटलाइन करेंगे तो इसकी आउटलाइन यहाँ से गायब हो जाएगी। मोर आउटलाइन कलर्स का अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से भी आप आउटलाइन का कलर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से उसकी विथ को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से आप डैशेज को मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप इसमें से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर और भी ऑप्शन है ग्राफिक इफेक्ट के, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्रेजेंट। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं इस आइकन के ऊपर, या आप चाहें तो शेडो दे सकते हैं। यहाँ से देखिए डिफरेंट टाइप्स की आपको शेडोज नजर आएंगी, या रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन आपका दिखाई दे रहा है और इसी तरीके से आप चाहें तो ग्लोइंग वगैरह भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, उसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बिबल का भी ऑप्शन है, सॉफ्ट एज का भी ऑप्शन है, 3D रोटेशन का भी ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया ऑल्ट टेक्स्ट के बारे में और इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, फिर भी मैं ऊपर ऊपर से आपको एक बार गाइड कर दे रहा हूँ कि इन सभी ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में। जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर सेव हो जाएगा और जब भी आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वापस से वही डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। दूसरा आप देखेंगे पोजिशन का ऑप्शन है। पोजिशन में आप अपने हिसाब से इसको पेज के जिस पोजिशन में रखना चाहें उस पोजिशन पर इस ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग का एक ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को रैपिंग करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं, हमने पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट कर लिया मान लीजिए, और पैराग्राफ को इंसर्ट करने के बाद यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया लाइन विद टेक्स्ट, इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइन की स्टार्टिंग से ही आपका टेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे और भी काफ़ी सारे रैपिंग्स हैं, जैसे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायरली एडजस्ट हो जाएगा, ये टाइटली एडजस्ट हो जाएगा, थ्रो वाइज एडजस्ट हो जाएगा, टॉप एंड बॉटम पे एडजस्ट हो जाएगा, बिहाइंड टेक्स्ट टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एडिट रैप पॉइंट्स के भी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। तो ये ऑप्शन तब काम करेंगे जब आपका ये ऑब्जेक्ट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप शेप में इसे कन्वर्ट करके इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक का भी एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपके तब काम करेंगे जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, यानी एक और ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा और इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सभी ऑप्शन इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली एक ग्राफिक है। तो हम इसे जैसे ही कन्वर्ट टू शेप पर क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर हाईलाइट होंगे। जैसे आप आईज को बंद करेंगे, यहाँ से आईज को ऑफ करेंगे तो ये सभी ऑब्जेक्ट यहाँ से हाइड हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं।
तो बेसिकली बाकी के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, ये भी आपका हाईलाइट हो गया। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ से आप अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर अपने ऑब्जेक्ट को जिस भी पोजीशन में यहाँ पे सेट करना चाहें उन सभी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से साइज को इसके इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम वापस से इन सभी ऑप्शंस को यहाँ से क्लियर करते हैं और फिर से एक नया आइकन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इंसर्ट में गए हम फिर से और फिर से हमने यहाँ पर आइकन्स पे क्लिक किया, और एक आइकन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम किसी भी आइकन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इस वाले आइकन को और यहाँ पर हमने कर दिया वापस से इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने फिर से वही ऑप्शंस रिप्रेजेंट हो गए। यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पे दे सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को जहाँ भी आप चाहें उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में। इसके अलावा अगर आप देखते हैं ग्रुप का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट टैब में वापस से जाना होगा और यहाँ से आपको वापस से आइकन्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको कोई दूसरी शेप ले लेनी है। जैसे मान लीजिए हमने इस शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो हमारे सामने यहाँ पर दो शेप्स आ गई हैं। इन दोनों शेप्स को अगर मुझे ग्रुप करना है तो शिफ्ट के साथ मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करना होगा और ग्रुप में जाकर के जैसे ही मैं ग्रुप कर दूंगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और वापस से अगर आप इसे अनग्रुप करेंगे तो ये वापस से अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस ग्रुप और अनग्रुप ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोटेशन का यूज़ करना चाहें तो यहाँ से इसे रोटेट भी कर सकते हैं, जिस डिग्री पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना चाहें आप अपने हिसाब से यहाँ पे रोटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रॉपिंग का यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं इमेज को। क्रॉप जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने चारों तरफ एक एंगल दिखाई देगा, इस एंगल को जैसे ही आप खींचेंगे तो उतना एंगल आपका क्रॉप हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से क्रॉपिंग शेप्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको कंट्रोल जेड करके पीछे कर देते हैं और उसके बाद हम वापस से इसको सेलेक्ट करते हैं, क्रॉपिंग में वापस से जाते हैं और शेप में जाने के बाद क्रॉप टू शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी शेप सेलेक्ट करते हैं तो उसी शेप में आपकी ये ऑब्जेक्ट क्रॉप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई दूसरा शेप ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये वाला आइकन शेप ले लिया और उसी आइकन में आप देखेंगे आपकी जो शेप थी क्रॉप हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्रॉपिंग भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे एस्पेक्ट रेटियो का यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आप पोर्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप में आप अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे उतनी एरिया आपका यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं क्रॉपिंग करने के, यहाँ से आप अपने हिसाब से जैसा भी क्रॉप करना चाहें इसको उस हिसाब से यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपका हाइट और विथ का ऑप्शन है, यहाँ से आप चाहें तो इसे हाइट और विथ को भी अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक मॉडल नज़र आ रहा है जिसमें बेसिकली एनिमेटेड डॉग आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके का अगर आपको और भी कोई मॉडल इंसर्ट करना है तो आप इजीली एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब से 3D मॉडल वाले ऑप्शन से इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन सभी डेटा को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ से हम चले जाते हैं 3D मॉडल्स वाले ऑप्शन पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपका होगा दिस डिवाइस। अगर आप अपने सिस्टम में से कहीं से कोई मॉडल इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके अपने सिस्टम में से कोई मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का कोई 3D मॉडल है तो आप यहाँ से आप इजीली उसे इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस तरीके का 3D मॉडल यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऑनलाइन इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे स्टॉक पर, स्टॉक 3D मॉडल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने ऑनलाइन 3D मॉडल्स का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे मॉडल्स यहाँ पे नज़र आएंगे जिसमें से आप किसी भी मॉडल का चयन करके आप यहाँ पे उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इसमें से यहाँ एनिमल्स पर जाते हैं और एनिमल्स पर क्लिक करते हैं। इस कैटेगरी पर जैसे ही क्लिक किया हमने तो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे जिसमें से आप कोई भी एनिमल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हम इनमें से इस वाले 3D मॉडल का यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसे इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसे इंसर्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद वो 3D मॉडल हमारे MS वर्ड में यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे 3D मॉडल हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसमें दो टाइप के आपको मॉडल्स मिलते हैं जिसमें एक मॉडल आपको दिखाई दे रहा है जो विदाउट एनिमेटेड होता है, सिर्फ एज ए इमेज होता है, उसको आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से पकड़ करके इसको घुमाना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसे इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसे जिस भी एंगल में आप घुमाना चाहें उस एंगल में आप अपने हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको जितना जूम करना चाहें उतना जूम भी कर सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इस 3D मॉडल को जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहें वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनिमेटेड 3D मॉडल चाहते हैं तो उसके लिए आपको वापस से इसी 3D मॉडल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, स्टॉक पर क्लिक करना होगा, आपको एनिमल्स पर जाना होगा और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एनिमल्स जो कि 3D मॉडल में आपको दिखाई देंगे। मैं थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी एनिमेटेड वाला आइकन होगा उस आइकन के आगे ये कॉर्नर आपको दिखाई देगा,
इस कॉर्नर में आपको दिखाई देगा रनिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी आपके इमेजेस हैं वो रनिंग वाली है, यानी कि वो एनिमेटेड वाली हैं। तो यानी कि इनमें से अगर आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो वो रनिंग वाली एनिमेटेड वीडियोज़ होती हैं। तो इसके बाद हम इनमें से किसी भी एक 3D मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस वाली वीडियो को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सा समय लेगा इंसर्ट होने में, और उसके बाद ये हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने ये दोनों के दोनों मॉडल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने दो मॉडल्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया था। आप देखेंगे ये भी मॉडल हमारा रिप्रेजेंट हो गया और ये भी मॉडल हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इन सभी 3D मॉडल्स को यहाँ पर ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इन मॉडल्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर दिखाई देंगे, ऐसे ही आपको बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर दिखाई देंगी, जिसका यूज़ आप MS Word में किसी डॉक्यूमेंट को बनाने में कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम इस किसी मॉडल्स को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है 3D मॉडल्स का, जो ऑप्शन मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन आपका आएगा रिसेट 3D मॉडल का। अगर मान लीजिए हम इसको किसी भी एंगल में रोटेट कर देते हैं, और अब मैं इसको जूम कर देता हूँ किसी तरीके से, या उसका साइज़ छोटा कर देता हूँ अपने हिसाब से, और इसे मुझे रिसेट करना है, तो जैसे ही मैं 3D मॉडल्स पर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, वापस से रिसेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं रिसेट 3D मॉडल एंड साइज़ पर क्लिक करूँगा तो ये वापस से अपने ही साइज़ में रिसेट हो जाएगा, जिस साइज़ में ये इंसर्ट हुआ था। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे एंगल्स हैं, आप इसमें से कोई भी एंगल सेलेक्ट करके आप इसकी पोजीशन को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन पे आप इसे रखना चाहें, उस पोजीशन पर आप इसे ईजिली यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक्सेसिबिलिटी, अरेंज और साइज़ वगैरह के ऑप्शन नज़र आएंगे। बेसिकली इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैं पिछली दो वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैं कुछ ऑप्शंस को यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम पोजीशन की अगर हम बात करें, तो पोजीशन के हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्ट को जिस भी पोजीशन पर रखना चाहें उस पोजीशन पर यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। रैपिंग की अगर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं, हम रैंड कमांड चला करके कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो भी 3D मॉडल है वो इस टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए हम 3D मॉडल्स पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे 3D मॉडल का एक नया टैब खुल जाएगा, और उसके अंदर आपको जाना होगा टेक्स्ट रैपिंग पर, और यहाँ पर आप इनमें से काफ़ी सारे रैपिंग्स आपको दिखाई देंगे, जिनकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को रैपिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइटली यूज़ करते हैं, तो टाइटली यूज़ करने में क्या होगा, हम जहाँ भी टेक्स्ट को मूव कराएंगे वो हमारा ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता चला जाएगा। इसी तरीके से आप इस पर क्लिक करके इसकी रैपिंग कर सकते हैं, यहाँ से टाइटली एडजस्ट कर सकते हैं, और उसी तरीके से इस पर क्लिक करके यहाँ पर भी आप इसे टाइटली एडजस्ट कर सकते हैं या फिर स्क्वायरली एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसे जहाँ भी मूव करेंगे ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर मैनेज होता चला जाएगा। तो आप देखेंगे ये हमारा बहुत ही आसानी से टेक्स्ट हमारा मैनेज हो गया। इसके अलावा इन मॉडल्स को अगर आप घुमाना चाहें, तो यहाँ पर बीच में आ करके आप इसे जिस भी एंगल पर घुमाना चाहें उस एंगल पर आप इसे भी ईजिली आप अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 3D मॉड्यूल्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बेसिकली स्मार्ट आर्ट की मदद से, जिसकी मदद से आप किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, यानी काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपने किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लिस्ट की। अगर आप लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे लिस्ट के, जिसमें आप किसी भी टॉपिक को लिस्ट वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे क्लिक करेंगे प्रोसेस के ऊपर, तो इसके अंदर आप प्रोसेस का स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो आप अपने प्रोडक्शन को इस डाटा के थ्रू यहाँ पर बता सकते हैं कि वो प्रोडक्शन आपका किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम सर्कल की बात करें, तो यहाँ पर सर्कल वाइज आप किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सर्कल में दिखाया गया है कि आप पहले ये वाला प्रोसेस करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं और फिर ये करते हैं, तो इस तरीके का कोई प्रोसेस अगर आपको दिखाना है तो आप इस ग्राफिक की मदद से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें हिराची की, तो हिराची पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा स्ट्रक्चर है। बेसिकली आप इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे ऊपर कोई मेन पर्सन है, उसके नीचे सेकंड पर्सन है और उसके नीचे तीन पर्सन वर्क करते हैं, तो इस तरीके से अगर आप कोई डेटा रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने टेंसेस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे टेंसेस का टॉपिक हमारा ये रहा और उसके बाद आप बाकी तीनों टेंसेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को।
इसी तरीके से अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपको काफ़ी सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसमें आप किसी भी डेटा को रिलेशन दिखा सकते हैं, यानी किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्कुलेशन की मदद से। इसके बाद यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मैट्रिक्स के ऑप्शन दिखाई देंगे जिसकी मदद से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने है पिरामिड्स। आप चाहें तो पिरामिड्स की मदद से भी किसी डेटा को दिखा सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ये था, उसके बाद इतना हुआ, उसके बाद इतना हुआ, तो यानी इस तरीके से आप किसी ग्रोथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो पिक्चर के माध्यम से भी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके उस पिक्चर के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको office.com दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मिक्स स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें से आप किसी भी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत सारे ग्राफिक्स के ऑप्शंस हैं जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो दोस्तों इसका यूज़ कैसे किया जाता है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस डेटा को पूरे को क्लियर कर लेते हैं। इसके लिए हम चले जाते हैं इंसर्ट टैब के ऊपर, यहाँ से चले जाते हैं स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम चले जाते हैं एचआरजी वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक फॉर्मेट। हमने एक फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कर दिया हमने ओके। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर ब्लैंक स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप चाहें तो इस टॉपिक को यहाँ पर क्लिक करके आप जो भी टॉपिक बनाना चाहें वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम बेसिकली क्या करेंगे, पूरे डेटा को एक साथ क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद हम स्ट्रक्चर को फिर से क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से बैकस्पेस बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे हमारा सारा डेटा यहाँ से क्लियर होता चला जाएगा। अब यहाँ पर आप फर्स्ट टॉपिक लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे हमारा इसके बगल में एक और बॉक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, और ये बॉक्स मैं चाहता हूँ कि इसका पार्ट बन जाए, यानी इसका असिस्टेंट बन जाए। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा टैब की बटन। जैसे ही आप टैब की बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसका असिस्टेंट बनकर क्रिएट हो चुका है। अब कंप्यूटर का यहाँ पर आप पार्ट लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया हार्डवेयर। हार्डवेयर लिखने के बाद अब यहाँ पर मुझे एक और शेप रिप्रेजेंट करानी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर फिर से एंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देखेंगे यहाँ पर हार्डवेयर का दूसरा पार्ट यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया, और यहाँ पर आप दूसरा पार्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर लिखने के बाद अब हम चाहते हैं हार्डवेयर के दो पार्ट को और रिप्रेजेंट करना, तो आपको हार्डवेयर पर वापस से जाना होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एड शेप बिलो का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो गया, यानी हार्डवेयर का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो गया। और इसके बाद आप यहाँ पर इसका पार्ट लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हार्डवेयर का पार्ट हमने दे दिया कीबोर्ड, और उसके बाद इसके साथ ही मुझे एक और पार्ट क्रिएट करना है, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हार्डवेयर का एक पार्ट और यहाँ पर क्रिएट करना, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से वापस से इसी ऑप्शन पर जाना होगा, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एड शेप आफ्टर। जैसे मैंने ऐड शेप आफ्टर पर क्लिक किया तो आप देखेंगे हार्डवेयर का एक और पार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया, और अब आप यहाँ पर क्लिक करके दूसरे पार्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया माउस। और उसके बाद सेम इसी तरीके से सॉफ्टवेयर का भी आप पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपको ऐड शेप पर जाना है, और यहाँ पर यूज़ करना है ऐड शेप बिलो। ऐड शेप बिलो यूज़ करने के बाद यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर का एक पार्ट दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस देने के बाद एक पार्ट और आपको क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर का, तो आपको एमएस ऑफिस को सेलेक्ट करके रखना है, और यहाँ से आपको जाने के बाद यहाँ पर ऐड शेप आफ्टर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर का एक और पार्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जिसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे टेली। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जितना भी बड़ा स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें उस स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के नाम से एक टैब खुल जाएगा, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन है ऐड शेप आफ्टर, यानी आप इसका अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके आफ्टर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बिफ़ोर, अगर आप बिफ़ोर यूज़ करना चाहें तो इसके बिफ़ोर यानी इससे पहले आपका इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप अबव यूज़ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर इंसर्ट होगा। बिलो करना चाहते हैं तो बिलो यानी नीचे की तरफ इसके इंसर्ट होगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी शेप्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐड असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से किसी भी स्ट्रक्चर का असिस्टेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट पेन का एक ऑप्शन है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट पैनल था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके वापस हम क्लिक करेंगे तो ये वापस से हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर प्रमोट और डिमोट का भी ऑप्शन रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर प्रमोट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो जो हार्डवेयर का पार्ट था वो वापस से प्रमोट हो गया, और यहाँ से डिमोट करेंगे तो वापस से ये डिमोट होकर के इन सब का पार्ट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ से आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं।
सकते हैं। मूव अप और मूव डाउन करना चाहें तो यहाँ से मूव अप और मूव डाउन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें से आप इसे अपने हिसाब से जिस भी एंगल में एडजस्ट करना चाहें उस एंगल में यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे कलर्स दिखाई देंगे, जिसमें से आप किसी भी कलर को यूज़ करके आप अपने डेटा को यहाँ पर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ 3D के ऑप्शंस नज़र आएंगे, जिस ऑप्शन का यूज़ करके भी आप अपने स्मार्ट आर्ट को एक अट्रैक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने रिप्रेजेंट होगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट में आप देखेंगे आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा चेंज शेप का। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो शेप है उसको आप अपने हिसाब से किसी और एंगल में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर शेप्स नज़र आएंगे, जिसमें से किसी भी शेप को यहाँ पर सेलेक्ट करके आप उसको उसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी शेप्स आपको दिखाई देंगी, जिस भी शेप पर आप क्लिक करेंगे आपका डेटा उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने लार्ज का एक ऑप्शन है। लार्ज वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे लार्ज होता चला जाएगा, और जैसे ही आप स्मॉलेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे स्मॉलेस्ट पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप अपनी जो भी स्ट्रक्चर है उसके थीम के कलर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा फिल का एक ऑप्शन। फिल में जाकर के आप अपने हिसाब से जो भी कलर इसमें देना चाहें वो कलर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे मोर कलर्स का एक ऑप्शन आपके सामने नज़र आएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से जिस भी कलर को मैनेज करना चाहें, यानी खुद से कोई कलर बनाना चाहें तो आप यहाँ पर इसे बना सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे एक और ऑप्शन आपके सामने नज़र आएगा पिक्चर्स का। पिक्चर्स को सेलेक्ट करके आप यहाँ से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स दिखाई देंगी इसमें से किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करके आप चाहें तो उस शेप के अंदर इसको इंसर्ट कर सकते हैं उस कलर्स की जगह पे। मान लीजिए हमने इस पिक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया। जैसे हमने इसको इंसर्ट किया तो आप देखेंगे उसकी जगह पर यहाँ पर हमारे सामने कलर्स की जगह पर पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। हम वापस से कंट्रोल जेड करके बैक चले जाते हैं और फिर से चले जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, ग्रेडियंट पर। ग्रेडियंट पर जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने ग्रेडियंट्स के काफ़ी सारे इफेक्ट दिखाई देंगे, जिसमें से आप किसी भी इफेक्ट को सेलेक्ट करके आप अपने ऑब्जेक्ट को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने टेक्सचर्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से आप किसी भी टेक्सचर को सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। हम वापस से कंट्रोल जेड करके पीछे चले जाते हैं और अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने शेप आउटलाइन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आउटलाइन के कलर को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस कलर को यहाँ पर सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे इसकी आउटलाइन का जो कलर था वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नो आउटलाइन का एक ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आउटलाइन का कलर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने विथ का भी एक ऑप्शन है। मोर आउटलाइन कलर्स पे जाकर के यहाँ से आप कलर्स को बना सकते हैं, कस्टम में जाकर के अपने हिसाब से कोई कलर बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आप देखेंगे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर वापस से चले जाते हैं फॉर्मेट वाले टैब पर और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं विथ के साइज़ को। आप यहाँ से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जितना भी मोटा जितना भी पतला करना हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप इसे डैशेस में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से डैशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको दिखाई देगा यहाँ पर वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन। वर्ड आर्ट के ऑप्शन की मदद से आप अपने टेक्स्ट को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट था वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद हम कंट्रोल जेड करके वापस से पीछे चले जाते हैं और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट फिल का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें से आप अपने टेक्स्ट को किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेम वही ऑप्शन आपको फिर से नज़र आ रहे हैं, जिसमें मोर कलर्स के ऑप्शन हैं, पिक्चर्स के ऑप्शन है, ग्रेडियंट्स के ऑप्शन है या टेक्स्चर्स के ऑप्शन हैं। इसमें से आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट में उसी का इफेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा आउटलाइन का। तो आप अपने टेक्स्ट की आउटलाइन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर जो भी चाहें आप वो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नो आउटलाइन करेंगे तो आपके कलर की आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी और वही ऑप्शन जो मैंने आपको रिसेंटली अभी बताया वही सेम ऑप्शन यहाँ पर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इफेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको शेडो आप अपने टेक्स्ट के बैक साइड में शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं अपने टेक्स्ट के बैक साइड। आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर काफ़ी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर नजर आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो कंप्यूटर था उसके नीचे की तरफ आपको शेडो दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। तो इस तरीके का रिफ्लेक्शन आप इसकी मदद से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बीवल ऑप्शन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, 3D रोटेशन का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिसका आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। और बाकी आप यहाँ पर देखेंगे एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अरेंज का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, साइज़ का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे इंसर्ट टैब के स्मार्ट आर्ट ऑप्शन के सभी ऑप्शंस। आप देखेंगे इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चार्ट ऑप्शन।
देखेंगे इसमें आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, जिसमें आप काफ़ी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर देख सकते हैं। इनका यूज़ करके आप किसी भी तरीके का पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं या चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम्स की। अगर आप कॉलम वाइज कोई डेटा तैयार करना चाहते हैं, यानी कॉलम वाइज कोई चार्ट तैयार करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके आप कॉलम वाइज कोई भी डाटा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे लाइन, तो यहाँ पर लाइन वाइज आप कोई भी चार्ट क्रिएट करना चाहें तो लाइन वाइज कोई भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पाई चार्ट, तो आप यहाँ पर पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर बार, तो बार वाइज आप कोई भी चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे एरिया, अगर आपको कोई एरिया रिप्रेजेंट कराना है तो आप एरिया को इस तरीके के ग्राफ में यहाँ पे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर स्कैटर चार्ट के हिसाब से यहाँ पर डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मैप, तो मैप में आप देखेंगे आपके सामने एक वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। इसके वाइज अगर आप कोई डेटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का, तो आप इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक, अगर आप कोई स्टॉक मैनेजमेंट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से स्टॉक का चार्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप कोई सरफेस दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सरफेस के लिए आप इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रेडार, तो यहाँ से अगर आप कोई रेडार को दिखाना चाहते हैं तो रेडार का चार्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ट्री मैप आएगा, तो ट्री मैप को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सनबर्स्ट, तो सनबर्स्ट के हिसाब से आप कोई भी चार्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम के हिसाब से कोई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बॉक्स एंड विस्कर है, तो आप इसके हिसाब से भी कोई चार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाटरफॉल अगर आपको दिखाना है, तो वाटरफॉल के हिसाब से आप यहाँ पर चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फनल का यूज़ करना चाहें, तो यहाँ पर फनल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दो तीन चार्ट को मिक्स करना चाहें, तो आप सबसे लास्ट में देखेंगे कॉम्बो का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें आप दो तीन चार्ट्स को मिक्स करके कोई भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे सीरीज़ वन, सीरीज़ वन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई भी कॉलम वाइज या बार वाइज कोई भी चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं लाइन वाइज चार्ट। लाइन वाइज चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद सीरीज़ सेकेंड के अंदर आप क्लिक करके यहाँ से आप किसी भी चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें मैंने ले लिया यहाँ पर कॉलम वाइज, और थर्ड वाले में हम यहाँ से कोई भी चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये वाली लाइनिंग्स वाला चार्ट ले लिया, और उसके बाद आप जिसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस सेकेंडरी एक्सेस पर आप जैसे ओके करेंगे, तो वो चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी भी चार्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर करके कोई कस्टम टेम्पलेट बनाना चाहें, तो कस्टम टेम्पलेट भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इन चार्ट का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉलम का कोई भी एक चार्ट, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आप कोई भी कॉलम का कोई भी ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मान लीजिए हमने फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हमने कर दिया इसे ओके। जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, और आप देखेंगे इस एक्सेल में आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई देगी, और उसी टेबल के निर्धारित यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई देगा। तो आप इसके ऊपर जो भी चेंजेस करेंगे, वो आपके ग्राफ के ऊपर यहाँ पर इसका इफेक्ट नज़र आएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सीरीज़ को चेंज करते हैं, तो सीरीज़ की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर हिंदी, और यहाँ पर हिंदी के बाद हम यहाँ पर सीरीज़ टू में यहाँ पर ले लेते हैं इंग्लिश, और यहाँ पर ले लेते हैं पॉलिटिकल। तो जैसे हमने यहाँ पर सब्जेक्ट डाले, आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट आपका चेंज हो चुका है। तो सब्जेक्ट को देखने के लिए आप यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल के तीनों कलर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप कैटेगरीज को चेंज करना चाहें, तो यहाँ कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर अमन, और यहाँ पे डाल दिया मैंने कमल, और यहाँ पे डाल दिया मैंने दीपक, और यहाँ पे डाल दिया मैंने आदित्य। तो जैसे मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया कैटेगरी का, तो आप देखेंगे यहाँ पर अमन, कमल, दीपक और आदित्य आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। और जब भी आप इस वैल्यू के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे, उसका इफेक्ट आपके इस चार्ट के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी 4.3 है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 69, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे हमारा ग्राफ उसी के हिसाब से एडजस्ट हो गया। यानी अमन का हिंदी में 69 मार्क्स हो गया, और इसके बाद इंग्लिश में मैंने मान लीजिए इनका कर दिया 98। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ उसी हिसाब से चल रहा है। और उसी तरीके से अगर पॉलिटिकल में आप चेंज करेंगे, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया 25, तो आप देखेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर ग्राफ अमन का तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप इन सभी का चेंज करके आप अपने हिसाब से ग्राफ को मैनेज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको फटाफट चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। आप देखेंगे हमारा ग्राफ यहाँ पर क्रिएट हो चुका है।
इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, तो हम सभी ऑप्शन को एक एक करके यूज़ करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऐड चार्ट एलिमेंट का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ग्राफ्स के स्टाइल्स नज़र आएंगे, जिसमें से आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, आप प्राइमरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अपने हिसाब से डेटा को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर काफ़ी सारे आपको बेस दिखाई देंगे जिसके हिसाब से आप अपने डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइंस के थ्रू आप दिखाना चाहें तो ग्रिड लाइंस के थ्रू भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप एक्सेस के थ्रू दिखाना चाहें तो यहाँ पे एक्सेस के थ्रू दिखा सकते हैं। एक्सेल टाइटल के थ्रू दिखाना चाहें तो एक्सेस टाइटल के थ्रू भी दिखा सकते हैं। चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहें तो चार्ट के माध्यम से भी आप अपने हिसाब से जो भी डेटा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आप यहाँ। इसके बाद अगर हम बात करें लेआउट्स की, तो अगर आप चाहें तो आप अपने चार्ट का लेआउट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको लेआउट्स मिलेंगे, इसमें से कोई भी लेआउट यहाँ पर सेलेक्ट करके आप अपने चार्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आपको कलर्स दिखाई देंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर मिलेंगे, जिसमें से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करके आप अपने डेटा के टेबल के कलर को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने थीम का ऑप्शन है, इसमें से बहुत सारी थीम्स आपको नजर आएंगी, इसमें से किसी भी थीम को आप सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस वाली थीम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट डेटा का। सेलेक्ट डेटा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वापस से आपकी जो एक्सेल शीट थी वो फिर से ओपन हो जाएगी, और यहाँ से अगर आप चाहें तो अपने डेटा के रेंज को यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल का लिया है, अगर आप अपने एरिया को बढ़ाना चाहते हैं यानी डेटा और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एरिया को एक्सपेंड कर सकते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास वही सीरीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को एक्सपेंड कर सकते हैं। हम वापस से सेलेक्ट डेटा पर क्लिक करते हैं, और अब आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्विच रो और कॉलम्स का। अगर जैसे मान लीजिए अभी अमन, कमल, दीपक, आदित्य का जो डेटा है वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि भाई इनका डेटा जो है वो स्विच हो जाए, यानी कि जैसे हम यहाँ पर स्विच कॉलम पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो पर्सन का नेम का डेटा था वो इधर शिफ्ट हो गया और उनके मार्क्स का डेटा यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ऐसे जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पर एडजस्ट हो गया उसी हिसाब से। आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी का मार्क्स आ गया, इंग्लिश का मार्क्स आ गया, पॉलिटिकल आ गया, नाम की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, आपके सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को स्विच कर सकते हैं। वापस से आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्विच रो कॉलम का। आप चाहें तो यहाँ से भी अपने डेटा को स्विच कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा वापस से यहाँ पर स्विच हो जाएगा। आप देखेंगे वापस से आपका यहाँ पर स्टूडेंट्स का नेम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा और आपके हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल का जो मार्क्स था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं अपने डेटा को। इसके अलावा अगर आप डेटा में एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एडिटिंग का भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आप एडिटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे, एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एडिट डेटा का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसमें जो भी डेटा एडिट करना चाहें, मान लीजिए आप किसी मार्क्स को चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके चार्ट में वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रिफ्रेश डेटा का। रिफ्रेश डेटा तो आपका तब यूज़ होगा जब आप मान लीजिए आपने कोई चेंजेस की और यहाँ पर वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, तो जैसे ही आप रिफ्रेश डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपने जो चेंजेस की थी वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। इसके बाद सेलेक्ट डेटा में कुछ ऑप्शंस और भी हैं, मैं उसके बारे में भी आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ऐड का। ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी का नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल हमारे पास हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल है और मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ कैटेगरी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को ऐड करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे हमारा जो कैटेगरी थी वो यहाँ पर ऐड हो गई ज्योग्राफी के नाम से। और यहाँ पर भी अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाई देगा रिमूव कैटेगरी का, तो आप चाहें तो यहाँ से कैटेगरी को रिमूव भी कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर जैसे हम देखेंगे नीचे की तरफ, इसको ओके करके मैं नीचे आ जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक और कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है ज्योग्राफी के नाम से। और इसके बाद उस डेटा में जो भी मैं एडिटिंग करूँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी ऐड करी ज्योग्राफी के नाम से इस टेबल के अंदर, और यहाँ पर मैं जो भी डेटा ऐड करूँगा वो डेटा यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम वापस से इसी डेटा पर क्लिक करते हैं और वापस से इसी डेटा को अगर आपको डिलीट करना है तो ज्योग्राफी को सिलेक्ट करके आप जैसे यहाँ पर रिमूव करेंगे तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे आपके यहाँ पर पर्सन का नेम अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आप पर्सन का नाम भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी रेंज को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर रेंज जो है हमारी वो सिर्फ इतनी आ रही है, अगर आप चाहें तो यहाँ से रेंज को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे आप रेंज को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो रेंज था वो यहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा और अपने डेटा में यहाँ पर हम नीचे जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप इस डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से एक्सचेंज करने के लिए। फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं और इसको भी हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चेंज चार्ट टाइप का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे जिसमें से आप अपने चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी चाहता हूँ कि ये लाइन वाइज हमें रिप्रेजेंट हो तो लाइन वाइज चार्ट को यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसके काफ़ी सारे स्टाइल्स आपको दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करके यहाँ जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा था वो आप देखेंगे उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उस पाई चार्ट के ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स के वही ऑप्शन आपको रिप्रेजेंट करेंगे जो ऑप्शन हमने यहाँ से पहले से सेलेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने पाई चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्लस आइकन का। इस प्लस आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आप यहाँ पर जिस भी डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहें उस डेटा को यहाँ पर जैसे टिक करेंगे तो वो डेटा आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि मुझे डाटा टेबल यहाँ पर दिखाई दे, तो जैसे ही मैंने इस चेकबॉक्स पर क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारा डाटा टेबल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। आप चाहते हैं लेबल्स दिखाई दे, जैसे आप लेबल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ लेबल्स दिखाई देने लग गए। अगर आप टाइटल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक्सेस टाइटल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके तरीके से अगर आप एरर्स दिखाना चाहें तो यहाँ पर एरर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा आप यहाँ से अप एंड डाउन करना चाहें तो अप एंड डाउन को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका डेटा अप एंड डाउन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे इसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंटरफेस दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी इंटरफेस को सिलेक्ट करके अपनी टेबल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप कलर्स चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कलर्स आपको मिलेंगे, जिस कलर में आप इसे चेंज करना चाहें उस कलर में आप अपने ग्राफ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे इसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा फिल्टर का। फिल्टर वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर फिल्टर के काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। जैसे मान लीजिए आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमने हिंदी को सेलेक्ट किया, हिंदी को हटा दिया, हमने यहाँ से इंग्लिश को हटा दिया, पॉलिटिकल को हटा दिया, तो वो सभी ऑब्जेक्ट यहाँ से हट जाएंगे और सिर्फ हमारे सामने वही डेटा रिप्रेजेंट होगा जिसका मैं यहाँ पर चयन करूँगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हिंदी को, तो आप देखेंगे हिंदी का डेटा मुझे यहाँ पर सिर्फ दिखाई दे रहा है। अगर मैं हिंदी को हटा के यहाँ से पॉलिटिकल लेता हूँ तो आप देखेंगे पॉलिटिकल का डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे हम इंग्लिश का डेटा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश का डेटा मुझे दिखाई दे रहा है, इंग्लिश का ग्राफ मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसी तरीके से आप पॉलिटिकल देख सकते हैं, ज्योग्राफी देख सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से अगर आप सॉर्टिंग करना चाहें तो यहाँ से कैटेगरी के हिसाब से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहाँ से कैटेगरी को हम हटा करके जिस भी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी कैटेगरी का यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई देगा। मान लीजिए अमन पे मैंने क्लिक किया तो अमन का कितना ग्राफ है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है आपके सामने। अमन के अलावा अगर आप कमल पर क्लिक करेंगे तो कमल का भी आप डेटा देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरीके से दीपक और आदित्य को भी आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। यानी आप सिंपली उस चीज़ को सिलेक्ट करके जैसे यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो ग्राफ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके आप सभी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से हिंदी और इंग्लिश को हटा करके मैंने अप्लाई किया तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का डेटा यहाँ पे आपके सामने अप्लाई हुआ। अगर यहाँ से हमने दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटा करके सिर्फ अमन का मुझे डेटा देखना है तो जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो सिर्फ अमन का डेटा यहाँ पे हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे चार्ट्स के ऑप्शंस। इसके बाद हम जानेंगे कि आप एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में किस तरीके से स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर दिखाई देगा हमारे सामने यहाँ पर दो अवेलेबल विंडोज नजर आ रही हैं जिसमें से हम किसी भी विंडो का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक गूगल ओपन किया हुआ है, जैसे हम गूगल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर गूगल ओपन है और इसके अलावा आप देखेंगे हमने एक्सेल को यहाँ पर ओपन किया हुआ है। और अगर हम एमएस वर्ड में जाकर के इनमें से किसी एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जैसे आप स्क्रीनशॉट विंडो पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने दोनों विंडोज अवेलेबल यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। जिसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है आपको सिर्फ जाकर के उस पर क्लिक कर देना है, उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूसरी विंडो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सेम उसी तरीके से आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है और जैसे ही हम एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल का जो स्क्रीनशॉट था वो आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी विंडोज का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आप मैन्युअली किसी विंडो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट पर जाना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा स्क्रीनशॉट पर और सबसे नीचे आपको दिखाई देगा स्क्रीन क्लिपिंग का एक ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके देखेंगे आपकी जो विंडो थी वो मिनिमाइज हो जाएगी और यहाँ से आपकी जो विंडो थी यानी कि जो भी रिप्रेजेंट विंडो आपके सामने दिखाई देगी उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर सिलेक्शन करके ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस विंडो को इतना सिलेक्ट किया और जैसे हम यहाँ पर क्लिक को छोड़ेंगे तो हमारी वो स्क्रीनशॉट यहाँ एमएस वर्ड में ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं पिक्चर फॉर्मेट के। तो इस पिक्चर फॉर्मेट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इन सभी ऑप्शन को मैंने एक एक करके उस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो दोस्तों ये था एमएस वर्ड का स्क्रीनशॉट ऑप्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।